आप देख रहे हैं मोटिवेशनल किंग और मैं हूं अभी लोनी में और ये कारगिल कॉलोनी है जहां पे मैं निकल के जा रहा था और मेरी नज़र यहां पे पड़ गई। कुछ भाई यहां पे बैट बॉल खेल रहे थे और मेरी नज़र यहां पे पड़ गई और मैंने सोचा इनसे बातचीत कर ली जाए। और आप देख सकते हैं उधर इनका विकेट है, दिखाइए भाई। और यहां पे हमारे कुछ भाई खेल रहे थे क्रिकेट, तो मैंने सोचा उनसे बातचीत कर ली जाए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम गुड्डू है। गुड्डू भाई, ये बताइए आप क्या करते हैं अभी? अभी तो कुछ नहीं करते, लॉकडाउन में घर ही बैठे हुए हैं। लॉकडाउन में घर ही बैठे हुए हैं। उससे पहले कुछ काम धंधा करते थे? जॉब करते हैं, मेरा ऑफिस चेयर का जॉब करते हैं। कौन से ऑफिस में करते हैं? ऑफिस चेयर का जॉब है हमारा। अच्छा, तो अब जब से ही लॉकडाउन हुआ है, जब से ही आपका बंद है पूरी तरीके से? पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि दिल्ली से हमारा माल जाता, मैं बाहर जॉब करता हूँ हरियाणा में। तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होगी, जो मतलब पैसा था आपका आना बंद हो गया, इस तरीके से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? बहुत ज्यादा, क्योंकि काम से ही हमारा घर परिवार चलता है, हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो दिक्कत तो होगा ही हर किसी को लॉकडाउन में। जब काम ही नहीं रहेगा तो दिक्कत तो बहुत ज्यादा होगा ही। लॉकडाउन लगभग 4-5 महीने से लगातार चल रहा है मार्च से, और अब लगभग 4-5 महीने होने वाले हैं, हो भी गए हैं। तो अब जो आने वाले समय में लॉकडाउन फिर बढ़ने वाला है 3 महीने के लिए, तो उसमें आपने क्या कुछ रणनीति बनाई है, कैसे अपने परिवार का जो पालन पोषण है उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करके उसको चलाएंगे, क्योंकि आपका कुछ काम धंधा नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे आप? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो करेंगे सरकार करेंगे, उसी के भरोसे हम लोग बैठे हुए हैं भाई। सरकार करेगी, उन्हीं के भरोसे हैं, वही लोग सोचेंगे। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, जब लॉकडाउन रहेगा तो कर क्या सकते घर बैठे बैठे, ना कोई जॉब है ऐसा जो ऑनलाइन बैठ के हम लोग कर सकते हैं भाई, तो इसलिए सरकार के ही भरोसे हैं, वही कुछ रास्ता निकाल के भरोसे है। आप मुझे ये बताइए, आपने कहा सरकार ही कुछ करेगी, आपका राशन कार्ड बना हुआ है? जी मेरा तो नहीं बना हुआ है। फैमिली में बना है? फैमिली में तो है, बना है। तो ये बताइए, अभी जो राशन बटा था लॉकडाउन में, क्या आपकी फैमिली को राशन मिला या नहीं? जी नहीं, हमारी फैमिली को तो नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। तो आप देख सकते हैं, सरकार दावा करती है, सरकार के नेता दावा करते हैं, विधायक दावा करते हैं, सांसद दावा करते हैं, चेयरमैन दावा करते हैं, और कहते हैं कि गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, और फिर नवंबर में जो लॉकडाउन बढ़ने वाला है उसमें भी दिया जाएगा। लेकिन ऐसा अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो 100% में से 20% लोग ऐसे हैं जिनको वो उसका लाभ ही नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं जो हमारे नेता, विधायक, सांसद, चेयरमैन और पार्षद, ये अपने रिश्तेदारों में बांट लेते हैं, उसको खा जाते हैं, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास पहुंचना चाहिए उनके पास नहीं पहुंच पाता है। तो आपने कुछ फॉर्म वॉर्म भरा था ऑनलाइन या नहीं, और भी कुछ? जी नहीं, ऐसा तो हमें कुछ जानकारी नहीं है, हम लोग एजुकेट भी नहीं है कि ऐसा कुछ भरेंगे। हम लोग तो बस इंतजार में है, कहीं से हेल्प आए, मदद आए भाई, घर बैठे रहते हैं इंतजार में, बस यही बात है। गवर्नमेंट ने कहा था कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए और फॉर्म भरने के बाद उनको 3 महीने का राशन मिलेगा, आपने इस तरीके का कोई फॉर्म भरा? मैंने नहीं भरा, न मुझे कुछ सुनाई में आया ऐसा हमारी कॉलोनी में जहाँ हम रहते हैं, कैसा किसी को मिला भी, और नहीं ऐसा कुछ नहीं सुना, ऐसा कुछ नहीं सुना। और भी भाई यहाँ पे मौजूद हैं और जो क्रिकेट खेल रहे थे, और भी भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? अर्जुन। अर्जुन भाई, अर्जुन भाई आप ये बताइए, आप अभी क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर कुछ जॉब वगैरह करते हैं? जी मैं मजदूर आदमी, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो जी? तो ऐसे लॉकडाउन में आपको जो मजदूरी का काम लगातार मिल पा रहा है ऐसे समय में या नहीं? जी नहीं, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। तो आपके आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। कैसे चल रहा है परिवार का पालन पोषण? बस जी चल रहा है, जो था वो हमारे पे खर्च वो हो लिया, कुछ भी नहीं हमारे पास, मतलब जैसे भी काम चल रहा है, दिन मजदूरी करते हैं, दिन में एक आध टाइम मिल जाती है, हफ्ते में 2 दिन चले गए, 3 दिन चले गए, उससे ही खाना चल रहा है, उससे ही चल रहा है। बाकी ये पड़ोसियाँ हैं हमारे, कुछ पड़ोसी हैं जो मदद करते हैं। मदद करते हैं पड़ोसी जी? आपका भी क्या कह रहे हैं आप? एक दूसरे की मदद करते हैं, उसी में हम लोग खाते पीते रहते हैं, अगर नहीं करेंगे तो ऐसे तो भूखे रह जाएंगे। बस हम लोग आपस में जिसके पास होता है एक दूसरे की मदद करते हैं पड़ोसी में, बस यही बात है। सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है। अगर ऐसा होता है उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जब लॉकडाउन शुरू में करना चाहिए जब तो करा नहीं, जब नहीं करना चाहिए शुरू में, अब करना चाहिए तो अब कर दिए। अब जब यहाँ पे इन लोगों का कहना ये है, इनके जो पड़ोस के लोग हैं वो भी इनकी मदद करते हैं, और ऐसे टाइम में मदद करनी भी चाहिए। और ये बताइए, आपके घर में राशन कार्ड है? राशन कार्ड नहीं है जी, फॉर्म भरा था राशन कार्ड का, राशन कार्ड बना नहीं, उन्होंने कह दिया था कि आप वो क्या बोलते उसे, वेतन का वो नहीं होता, वो बनवाते कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट जी,
वो हमारे पास बना नहीं जी, हमने बनवाने के लिए बना नहीं था, तो इस कारण हमें भी अभी हमारा राशन कार्ड का पर्ची ऐसी पड़ी हुई है। कितने कितने दिनों कितने दिन पहले आपने भरा था वो? वो कम तकरीबन 2 महीने हुए। नहीं आया वो? नहीं आया। और अभी आप यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, आप क्रिकेट खेलने का बचपन से ही शौक है क्या आपको? बचपन से शौक रहा है क्रिकेट खेलने का, तो बचपन से शौक रहा है। बचपन से ही रहे जी। लगभग यहाँ पे कितने घंटे डेली खेलते हैं यहाँ पे, या फिर कभी कभी आ जाते हैं टाइम मिलता है? परमानेंट अगर हम काम भी कर रहे होते हैं तो संडे को हम छुट्टी स्पेशल करते हैं, अगर काम मजदूर जाते हैं मजदूर छोड़ देते हैं संडे वाले दिन खेलने के लिए। खेलने के लिए अगर नहीं भी खेलते हैं, देखने का बहुत शौक है, देखने का बहुत शौक है। अगर नहीं भी खेलते खेल पाते अगर हम, तो हम देख के मन भर लेते हैं अपना, देख के ही मन भर लेते हैं जी। आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो ऐसे टाइम में और उनको भी राशन ना मिला हो? नहीं, वैसे तो हमारे यहाँ काफ़ी पड़ोसी हैं, उन सबको मतलब कुछ जो ऐसे नहीं काम कर पा रहे थे उन्हें तो मदद मिली सभासद की तरफ से, उन्होंने वो दिया खाना वगैरह, मतलब बना हुआ ला के दिया उन्हें, घर घर पहुँचाया, कुछ घर से पहुँचाया, बस वो ये गिने चुने घर वाली बात है जो। हाँ जी, हाँ जी, मतलब इनका कहना ये है और हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं, जो सभासद हैं, जो विधायक हैं, जो नेता है, उनके जो जान पहचान के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको पूरी सुविधा मिलती है, बाकी के जो लोग हैं उनको कोई देखता नहीं है, वो मर रहे हैं, भूखे हैं, कैसे हैं कोई नहीं देखता। कल हमारे यूपी में कुछ पुलिस वाले एक बदमाश के घर गए और बदमाश के घर जाने के बाद उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की। 8 पुलिस वाले गए थे, उनको लगातार गोलियां मारी गईं और गोली मारने के बाद उनको पूरी तरीके से मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, तो हमारी सरकार है, यूपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें हमारी पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या होगी, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो इस चीज़ को समझे और इस पर एक्शन ले कोई, कि भाई जब सरकार के ही लोग सुरक्षित नहीं है, कर्मचारी सुरक्षित, तो हम कैसे रहेंगे? उन्हें देख के ही हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जब वही नहीं है तो हम कैसे रहेंगे? ये तो पूरी जिम्मेदारी हमारे सरकार की बनती है कि वो इस बात का ध्यान रखे और भर कैसे समझे इस बात को, भाई कैसे एक्शन लेना उनके खिलाफ। ये तो आप क्या कहना चाहेंगे भाई इस पे? मेरा कहना तो यही है, सरकार की तरफ से निवेदन यही है, जो एक्शन जितनी जल्दी लिया जाए उतना ही ठीक है। आज 8 गए हैं, कल 8 और चले जाएंगे, ऐसा होता रहा। अब पहले फौजी भाई मारे गए थे हमारे, देखा हो तुमने, उसके बाद पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, लगातार वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। किस कारण दिया जा रहा है? सरकार की कुछ ढील है, कुछ कमियां हैं, इस कारण दिया जा रहा है। सरकार को उस पर रोक लगानी चाहिए, जल्द से जल्द कुछ रोक लगानी चाहिए। और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? सोनू। क्या काम करते हैं आप? मैं तो कपड़े की दुकान पे जॉब करता हूँ। कपड़े की दुकान पे, सोनू नाम है आपका? हाँ जी। तो लॉकडाउन जब से हुआ है तब से तो आपका काम पूरी तरीके से बंद ही होगा? बंद है, अभी फिलहाल 1 महीने खुला था, उसके बाद फिर दोबारा बंद, फिर बंद हो गया। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं, कैसे चल रहा है उनका खर्चा पानी? खर्चा क्या, घर वालों से थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है, पड़ोसियों से मिल जाती है थोड़ी बहुत मदद, बस पड़ोसियों से मिल जाती है। किराए, तो आपको मैं तो वैसे भी किराए पे रहता हूँ, मम्मी पापा अपने मकान में रहते हैं, इसलिए मम्मी पापा अपने मकान में रहते हैं, आप किराए पे रहते हो? हाँ जी। तो ये बताइए आप किराए पे क्यों रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ जो आप किराए पे रहते हैं? घर छोटा है इसलिए मैं किराए पे रहता हूँ। घर छोटा है, कितने भाई बहन है आपके? 3 भाई बहन हो रहे। अच्छा, एक वो कहाँ रहते हैं? वो मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा के पास रहते हैं, तो आप बड़े हो? मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, ये बताइए आपको क्रिकेट खेलने का बचपन से ही शौक है क्या? जी नहीं, वो तो कभी जैसे छुट्टी रहती है तो आ जाता हूँ टाइम पास करने। आप भी क्रिकेट खेल लेते हो? हाँ। कितनी एज है अभी आपकी? मेरी 34 साल। 34 साल है? हाँ जी। क्रिकेट खेलते हो आप तो मस्त बढ़िया था। कहाँ खेल रहा हूँ जी, बस वैसे ही टाइम पास करने आ गया मैं। वैसे ही टाइम पास लॉकडाउन में बस। ये बताइए किस किस तरीके की आपके सामने दिक्कतें आई हैं ऐसे लॉकडाउन में, जब आपका काम धंधा बंद हुआ था? दिक्कतें खाने की परेशानी है, दिक्कत है ये भी है कि किराया मांगते हैं मकान मालिक कैसे टाइम में किराया मांग रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, कह रहे हैं या तो कमरा खाली कर दो या फिर हमारा किराया दो। 4 महीने से किराया नहीं दिया क्योंकि काम धंधा ही काम धंधा ही नहीं, तो किराया कहाँ से दूँ? लेकिन मकान मालिक ये चीज़ थोड़ी ना समझेगा, मकान मालिक ये चीज़ नहीं समझता है। तो जो मकान मालिक हैं उनको ऐसा समझ लेना चाहिए कि आखिर में वो ऐसे टाइम में क्यों, जो उनके किराएदार हैं हमेशा से वो आपको किराया देते आए हैं, अगर 4-5 महीने से नहीं दे पा रहे हैं ऐसे समय में तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, उनको समझ लेना चाहिए। क्या क्या नाम है आपका? सुमित नाम है। क्या करते हो? बैंड बाजे का काम है। बैंड बाजे के? तो ये बताइए आपका बैंड बाजे का काम इसमें अच्छी तरीके से चल रहा है या नहीं लॉकडाउन में? बिल्कुल बंद है हमारा। बिल्कुल बंद है। मैंने देखा है कि अभी कुछ कुछ बारात शादियाँ हो रही हैं लोगों की, कुछ कुछ, तो उसमें बिल्कुल ही बंद है या चल रहा है थोड़ा बहुत?
बस ढोल चल रहे हैं, बस ढोल चलते हैं। तो जो ढोल आप बजाते हो, एक बड़े वाले ढोल बजाते हो छोटे वाले? दोनों ही। दोनों? कब से आपने, कब से सीखा, आपने कब से सीखा ढोल बजाना? ये होगी 3-4 साल। 3-4 साल। पढ़ाई लिखाई करी है कुछ या नहीं आपने? हाँ, 10वीं तक। 10वीं करी है? कौन से बोर्ड से? 10वीं करी थी हमने स्कूल। कौन से स्कूल से करी थी? दिल्ली से करी थी। दिल्ली से करी थी, CBSE बोर्ड से करी थी। ये बताइए आपने फिर आगे कुछ पढ़ाई लिखाई करी है या नहीं? अभी तो नहीं करी, फिलहाल स्कूल बंद है अभी। अच्छा, स्कूल बंद है तो नहीं करी। या फिर आपका मतलब आगे, फिर आपका परिवार में कोई ऐसी समस्या आई जिसने आपको आगे नहीं पढ़ने दिया, फिर या फिर आपका मन आगे पढ़ने को नहीं करा? समस्या आई थी घर में, कुछ घर में समस्या आई थी इसलिए नहीं पढ़ पाए। तो आपका काम भी लगभग बंद ही है पूरी तरीके से? अभी कैसे चल रहा है आपका जो है खर्चा पानी, कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा, जो पैसे पहले रखे थे वही खर्च हो रहे हैं। पहले वाले पैसे थे वही खर्च कर रहे हैं, उनसे चल रहा है खर्चा पानी। हाँ। तो यहाँ पे जो लोग हमारे भाई मौजूद थे, यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे या फिर कुछ और काम कर रहे थे, करिए उनसे बातचीत करिए, और ऐसी ऐसी समस्याओं से होकर के वो गुजरे हैं, हमने जो उनकी पूरी समस्या थी, पूरे विचार थे जानने की कोशिश करी है। और ये जगह है लोनी में, कारगिल कॉलोनी कहा जाता है, वहाँ पर हम मौजूद थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे ये पत्थर पड़े हुए हैं, और यहाँ पे पहले किस चीज़ का काम होता था? खाली जमीन थी, खेत थे पहले। खाली जमीन थी, खेत थे। ये क्या पड़ा हुआ है काला काला पत्थर? ये रंगाए, इसमें वो निकलता लोहे टाइप, लोहे टाइप का निकलता है। तो ये आप देख सकते हैं पीछे इस तरीके का था, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये सभी यहाँ खेल रहे थे। तो मैं जा रहा था और मैंने सोचा इनसे बात कर ली जाए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।